हाईटेक्स मेले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, कहा पाकिस्तान के साथ खुलना चाहिए हमारा व्यापार। अमृतसर शहर में 16वां पाइटेक्स मेला कल से शुरू हो चुका है और यह मेला 12 दिसंबर तक चलेगा। आज इस मेले के बीच में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर पहुंचे और उन्होंने मेले में लगे सभी स्टॉलों का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि अमृतसर में पाइटेक्स मेला होना अमृतसर के लिए गौरव की बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों में इस मेले को लेकर काफ़ी उत्साह है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास भारत पाकिस्तान सीमा को खोलने का है ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके और जिससे अमृतसर का और विकास हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश अमृतसर को कन्वेंशन हब बनाने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमृतसर शहर में जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाइटेक्स मेले के लिए पंजाब सरकार भी अपनी पुड्डा भूमि पर अगली बार पाइटेक्स मेला आयोजित करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हर साल अमृतसर में पाइटेक्स मेला लगता है और इस बार 6 देशों की 2 विभिन्न कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और इस मेले को लेकर शहर के लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कितने आए ने जैसे इजिप्ट है, टर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है और थाईलैंड है। सो काफ़ी स्टॉल्स लगे ने, 3 एकड़ जगह है थे जिदे च ऐतकी पिछली बार सीगे 300 सीगे एग्जीबिशन एग्जीबिटर्स जिहड़े सीगे ऐतकी 450 ने, मतलब 50% वध गए ने। सो असी आस करते हैं कि जिवें टाइम निकली जाएगा साडे पार्टिसिपेशन होर वधदी जाएगी। अमनू साने हुणी दस्सिया है कि नैक्सट ईयर सिंगापुर नूं भी इनवॉल्व कर रहे हैं तो साल मुकद्या मुकद्या तो काफ़ी लोगों नूं इनवॉल्व कर लेंगे। सो जिहड़ी साडे को घाट है कन्वेंशन सेंटर दी है, वह साडे को जमीन हैगी है पुड्डा को जिहड़ी पुरानी जेल सी उहदे विच 8 एकड़ जगह है। सो उत्थे असी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप ना असी उत्थे कन्वेंशन सेंटर बना लईए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब होंदा कि मल्टीपल हॉल्स बन जाते हैं तो 50 दे 100 दे 200 दे 500 दे 800 दे इस तरह मल्टीपल हॉल्स बन जाते हैं तो उहदे विच जिन्नी किसी रिक्वायरमेंट हुंदी उन्नी ले लैंदा क्योंकि इहनूं सैटअप करन वास्ते बहुत पैसे लगते हैं जी। हुण आह वी देखिए तो भी करोड़ों च खर्चा आ जाना है। सो ये हर एक बंदे दे वस दी गल नहीं हुंदी तो क्योंकि इस वक्त कन्वेंशन जिहड़ियां होर भी चल रही ने। हुणी असीं पिछे जे प्लास्टिक सर्जरी दी होई सीगी वर्ल्ड पूरी दुनिया च डॉक्टर्स आए सीगे ते हुणी 2-4 दिन पहलां खत्म होई है ऑर्थोपेडिक्स दी जिहदे च 4000 तों वध डेलीगेट्स आए सीगे और फरवरी च होण जा रही है रेडियोलॉजी दी। इह मैं तां गल्लां करां डॉक्टर होण दे नाते मैनूं इहनां तिन्नां दा पता है जिहड़ियां होईआं ने और उहदे च वी साडे घट्टो घट्ट 1500-2000 दे लागे डेलीगेट्स आउणगे। BSF दी कॉन्फ्रेंस हाले हुणी होके हटी है, वह भी सर यूनिवर्सिटी हुई है। सारिया कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी हुई हैं क्योंकि उत्थे उन्होंने एक बना लिया हॉल, 3-4 बना लिए ने, कन्वेंशन सेंटर टाइप बन गया। सो असी साड़ी वो इच्छा है, साड़ी इच्छा है सरकार की, मान सरकार की कि असी अमृतसर एक हब बना सकीए क्योंकि अमृतसर गुरु की नगरी ये लोगों के दिलों एक स्पैशल जगह रखती है और लोग इतने आना चाहते हैं। लोग बहाना लभदे कि सानू अमृतसर जाने का कोई बहाना लभ जाए, किसी ने कह दी ना अमृतसर कन्वेंशन कर लिए कदे ना नहीं करूगा और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस जगह साड़ी होंदी है। सो असी इसे गलते बिल्डअप करना है, शहर होर साफ सुथरा करना, ट्रैफिक होर रेगुलेट करनी है और यह जे सेंटर्स होर बनाने ताकि ट्रेड बधे। ये ट्रेड तुसी जानते हो कि अमृतसर बहुत वड्डा एक ट्रेडिंग सेंटर होंदा सीगा जिते कश्मीर से समान बनता, शॉलां बनदियां सी, दूजी फ्रूट्स वगैरह आउंदे सीगे और अमृतसर दे राही चाह जी ग्रीन टी हुंदी सी वो आउंदी सी और एक अमृतसर दे राही होके अफगानिस्तान दे राही होके ईवन सेंट्रल एशिया तक सारी चीज़ें जांदियां सीगियां। सो जे आ बॉर्डर खुल जाए जिहड़ी साडे हाथ नहीं हैगा लेकिन असी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा टेकअप करते रहने कि ये जिहड़ा बॉर्डर है साडा खुले तो अमृतसर बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट एक शहर बन जाएगा। सो टेकअप करते रहने और मैं आस करदा कि यह जो कन्वेंशन होर हुंदी रहनगियां जिते इंटरैक्शन होंगे लोगों का भी होंगे ट्रेड का भी होंगे तो तरक्की होएगी पूरे मुल्क की और साडा प्यार वधेगा अपने गवांढ नूं। लेके बहुत समस्या आ रही है। हाँ जी मैं आप ही मैनशन करता तुहानूं सवाल पुछण दी लोड़ नहीं पई कि ट्रैफिक जिहड़ी है वह रेगुलेट करन दी बहुत ज़्यादा लोड़ है और तुहानूं असीं 1-2 महीने च चंगे रिजल्ट दांगे। सर एक कारपोरेशन वालों गड्डी मंगाई गई 5 ग्रेड की, कल रात को खंड वाले जी अग लगी काफ़ी भयानक आ गई जिस काफ़ी लोग झुलसे भी ने पर गड्डी नज़र नहीं आई कि नहीं जी। तुसीं गड्डी शायद गल कर रहे हो गड्डी हैगी है हाइट्स वास्ते, मतलब जे उहदे च हाइट की लोड़ पए जिवें 60 फुट 70 फुट 80 फुट जाने की लोड़ है तो वह फायदा जी रूटीन अग है जी घर लग जाती है गोदाम वगैरह लगती तो रोल नहीं को बहुत ज़्यादा है। सो इस करके नजर ये 450
450 स्टॉप। छे देशों के आए हैं, मैं दस चुका थानू कि इतने आया टर्की आई है और इजिप्ट आया और अफगानिस्तान आया, पाकिस्तान आया, थाईलैंड आया और इंडिया। सो छे मुल्कों के स्टॉल इतने लगे ने और वड्डी गल है कि कश्मीर के बहुत स्टॉल लगे ने और लेडीज़ बहुत उतो आई ने। पिछली बार जो पाकिस्तान के स्टॉल नहीं सी लग पाए, इस बार हूँ वो चीज़ जी दाखला फॉर्म जो उन्होंने एडमिशन भरी से उन्होंने एक्सैप्ट होकर इस बार वो आए हुए हैं, बड़ी खुशी होंगी है। देखो ये जड़िया हदा ने असी आप बनाईया ने, है ना। अदरवाइज जी पंजाबीयत है साड़ी, ये सारी सांझी है। पंजाब नू हमेशा मैं एक मुल्क मानता क्योंकि पंजाब नू आर पंजाबी सूबा जो बना के असी बनाया है, असी इनू पंजाब ना मनीए। पंजाब च असी हरियाणा, हिमाचल और जड़ा लहिंदा पंजाब है, ये सारा कट्ठा पंजाब है। चढ़दा पंजाब, लहिंदा पंजाब, एक पंजाब है। पंजाबी एक मुल्क है, पंजाबी एक कौम है, पंजाबी भाषा अपने आप एक बड़ी वड्डी भाषा है। सो ये सब इग्नोर हो रहा है। देखो जी, यह गल मैं माड़ी कह इस गल चंकी तो मैं कह नहीं सकता। हूँ भी देखो बाहर स्टॉल लगे, मैं हूँ ही ऑर्डर करके हटे कि स्टॉल किस तरह लगे बाहर, क्योंकि साडा फेस है, ये साड़ी शक्ल है, असं लोगों को दिखाने चाहते कि असी चंगे हैं, साफ सुथरे। तो यह काम कर दें फिर असं इस लिहाज नहीं होना चाहिए। थैंक यू।